हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फरज कुकिंग चैनल में आज हम कबाब कढ़ाही मसाला की रेसिपी बनाएंगे। आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। कबाब कढ़ाही मसाला की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पहले स्टेप में हम कबाब के लिए चीज़ें तैयार कर लेंगे। कौन सी हमें चीज़ें चाहिए वो नोट कर लें। कीमा मटन या बीफ का 2 पौंड, एक बड़े साइज का कटा हुआ प्याज, आधा कप फ्रेश कोरिएंडर, धनिया, 2 अदद कटी हुई ग्रीन चिली, 1 अदद अंडा, 2 ब्रेड के स्लाइस, इसके अंदर जो स्पाइस चाहेंगे, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, क्रश की हुई चिली 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, साल्ट 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। इन सारों को हम चापर के अंदर डाल के जो कीमा है इसको बारीक पीस लेंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। चॉपर के अंदर सबसे पहले प्याज डाल दें, ग्रीन चिली डाल दें, धनिया डाल दें और ब्रेड के जो स्लाइस हैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ये भी इसके अंदर डाल दें। इसको हमने बारीक पीस लिया है मगर इसको पेस्ट नहीं बनाया। अब इसके अंदर कीमा डाल देंगे, साथ ही अंडा तोड़ के डाल दें। ये स्पाइस डाल दें, दोबारा से इसको बारीक पीस लें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि जो ऊपर वाला कीमा है वो भी बारीक पीस जाए। दोबारा से इसको चला देंगे। कबाबों के लिए कीमा तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम फ्रिज के अंदर 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। इसके बाद हम इसके कबाब बना लेंगे। ऑयल लेके हाथों पे लगा लें। अब हम कबाब जो है तैयार कर लेते हैं। प्लेट के ऊपर भी आप ऑयल लगा दें। कीमे को हाथों में लेके आप इसको दोनों हाथों के दरमियान इस तरह घुमाएं। इसको दरमियानी शेप दे दें, ना बहुत लंबा और ना ही बहुत छोटा है। इसी तरह हम सारे कबाब बना लेंगे। आप जितना बनाना चाहते हैं उतने बना लें, बाकी आप फ्रीज कर सकते हैं इसी तरह बना के, और जब जरूरत हो उस वक्त बना लें। कढ़ाही के अंदर 1/2 कप ऑयल डाल दें। ऑयल जब अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर एक एक करके कबाब डाल देंगे। हमने पहले स्टेप में ये जो कबाब है इनको तलना है, तल के निकाल लेंगे। इसके बाद हम कबाब के लिए मसाला बनाएंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर कबाब डाल देंगे। जब एक साइड से ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनको फ्लिप कर लेंगे। मजीद कबाब भी हम एक साथ साथ डालते जाएंगे। इसको साथ साथ इस तरह कढ़ाही को हलाते जाएं ताकि ये
नीचे ना लगे। दूसरे स्टेप में कबाब के लिए जो मसाला बनाएंगे उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लें। प्याज एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ, दो मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर, जिंजर और गार्लिक की पेस्ट 2 टेबलस्पून, स्पाइस में रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक हल्दी 1/2 टीस्पून, साल्ट 3/4, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, मेथी 1 टीस्पून। आइए हम मसाला बनाना शुरू करते हैं। अब ये जो कबाब है ये हम निकाल लेते हैं। अब इस ऑयल के अंदर हम प्याज डाल देंगे। अब हमने प्याज को 5 मिनट के लिए ऑयल के अंदर भूनना है। अब इसके अंदर जिंजर और गार्लिक की पेस्ट डाल दें। मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको भूने। मसाला हम तैयार करते हैं वो इसी तरह तैयार किया जाता है। अब इसके अंदर कटे हुए टमाटर डाल दें। साथ ही ये स्पाइस डाल दें। अब इसके अंदर हम ये कबाब डाल देंगे और इस मसाले के अंदर हम इनको भूनेंगे। आंच को मीडियम कर दें। अच्छी तरह मसाले के अंदर मिक्स कर दें इनको। हमने इनको पहले फ्राई कर लिया था इस वजह से ये टूट नहीं रहे। अब इनको हिला दें। और इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख दें, मगर गाढ़े बगाढ़े इसको चेक भी करते रहें। करने के बाद आंच को तेज कर दें, हाई कर दें और इसको अच्छी तरह भून लें। मज़ीद 10 मिनट हम इसको भूनेंगे। इसके बाद ये हमारी डिश तैयार हो जाएगी। अगर आप इसके अंदर ग्रेवी चाहते हैं तो इसके अंदर 1 से 2 कप पानी डाल सकते हैं।
तरह भुन चुके हैं, साथ ही इसने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर हम कटा हुआ धनिया और ग्रीन चिली डाल देंगे। हीट को ऑफ कर दें। इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। इसको आप नान, चावल या चपाती के साथ खा सकते हैं। कबाब कड़ाही मसाले की रेसिपी तैयार है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसी तरह की अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।